ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਸਮਾਧਾਨ लगातार जानने की कोशिश की जा रही है क्योंकि संघर्ष के नाल जुड़िया पहले चार तस्वीरां दिखा दी फिर दसांगे कि केंद्र सरकार के वालों केड़े केड़े पॉइंट्स शामिल करके किसान जथेबंदियों को प्रस्ताव भेजा गया प्रपोजल भेजा गया किसान जथेबंदियों को मीटिंग के लिए मुड़ तो सद्दा भेज दिया गया इस केंद्र सरकार ने खेती कानून के सोध के लिए जो मता तैयार किया किसान तक उसको पहुंचा दिया गया किसान अंदोलन से केंद्रीय कैबिनेट के वालों जो मीटिंग की गई सी इस जानकारी जो है 3 बजे दी गई जाएगी कि इस मीटिंग दे विच की कुछ विचार चर्चा की गई किसानों का भी मंथन इस दे विच जो किया गया तो किस हद तक पहुँच पाई वो मीटिंग दूजे पास किसानों के वालों भी मंथन किया जा रहा है किसान जथेबंदियां मीटिंग करके केंद्र सरकार के मते ते जो उन्होंने सद्दा भेजा गया जाना है या नहीं इसका फैसला लैन गया तो तारीख ते तारीख जो मिलती जा रही है एक होर तारीख मिल चुकी है हुण तारीख मिली है 10 दिसंबर की यानी कि कल एक बार फिर तो केंद्र सरकार ने किसानों सद्या कि आओ आओ मीटिंग करिए तमाम पॉइंट्स विचारिए सवेरे 11 बजे विज्ञान भवन के मीटिंग सदी गई है हालांकि केंद्र सरकार के वालों भेजे मते से मुड़ विचार करने तो बाद कल सदी की मीटिंग शामिल होना है या नहीं इस लैके किसानों ने हाले फैसला करना है सिंगू बॉर्डर से किसान जथेबंदियों की मीटिंग रखी गई है तो हम अभी गल करांगे खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ अंदोलन कर रहे किसानों के लिए सरकार ने जो रस्ता कटिया तो सरकार के वालों किसानों एक लिखती प्रस्ताव भेज दिता है जिस तरह ही कुछ सौदा की गई ने और केंद्र सरकार के वालों इस प्रस्ताव APMC एक्ट से MSP के किसानों लिखती तौर पर भरोसा दिता गया इस लिखती प्रस्ताव के सरकार मुख्य तौर पर 5 मुद्दों लेके किसानों के नाल सहमत हो चुकी है तो पॉइंट वाइज तमाम 5 सौदे हुए पॉइंट्स भी असं अपने दर्शकों को दसांगे कि कितने लाजमी किया गया सब कुछ नंबर 1 APMC एक्ट ते मंडी सिस्टम नू मजबूत करना है नंबर 2 ट्रेडर्स दे नाल व्यापार नू सिस्टमैटिक तरीके दे नाल लागू करना है नंबर 3 किसी तरह की मुश्किल होने पर अदालत जाने का विकल्प है किसानों के कोल नंबर 4 MSP जारी रहन दा लिखती भरोसा दिता गया नंबर 5 पराली साड़न के खिलाफ कानून जो सख्त हुए उस दे विच कुछ सोध करने के लिए तैयार है केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार के वालों खेती कानून के सोध के लिए जो मता तैयार किया गया किसानों का किस तरह का रिएक्शन है आओ सुनते हैं साड़ी 5वें दौर की मीटिंग केंद्र नाल हो चुकी है असं भी 5 मीटिंगों के इको गल मनी आ भी सानू शोधन नहीं चाहिए सानू इन्हां कानूनां दे उपर बहुत वड्डे साडे परिवारां ते बच्चियां दे साडे बच्चों दा भविख खराब होने वाला है ये कानून रद्द कर दिते जाण असी इन्हां कानूनां नूं मानता नहीं दे सकते इसे परों असी सोधन नहीं चाहीदा ये कानून रद्द चाहीदे ने साडे पंजाब दे लोकां दी आवाज़ है और जिहड़े देश भर दे किसानां दी आवाज़ है देखो जी असी तां चाहुणे हल निकलेगा भी लेकिन सारे नौजवान जिहड़े आए ने ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕ ਜਾਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂੰਬੜ ਚ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੱਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਧ ਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਾਂਗੇ तो साड़े नाल साड़ी सहयोगी नीतिका महेश भी जुड़ चुकी है लगातार किसानों के नाल गलबात भी की जा रही है ग्राउंड जीरो तो नीतिका केंद्र सरकार कहती है कि सौदों के लिए असी तैयार हैं किसान अंदोलन खत्म कर दें लेकिन किसान कहते जो चीज़ केंद्र सरकार दे रही है वो सानू चाहिए ही नहीं सौदा नहीं चाहिए कानून रद्द करो तो किवें मसला हल होएगा हुण गगन तो दस कि हुण दी सब तो वड्डी अपडेट यही है कि मीटिंग जिहड़ी है वो शुरू हो गई है फिलहाल हुणे ही योगेंद्र यादव भी जिहड़े ने अंदर गए ने ते मीटिंग जिहड़ी है स्टार्ट हो चुकी है उन्हां वल्लों ये भी कहा गया है
कि प्रस्ताव के बारे मैं मीटिंग च जाके अंदर पता चलेगा कि शायद प्रस्ताव की कॉपी साडे कोल आ भी गई है, उस नूं लैके हुण असीं गलबात करांगे, चर्चा करांगे ते अगली रणनीति साडे वल्लों तय की जाएगी। शाम नूं 4:30 दे करीब जिहड़ी उन्हां वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है कीती जाएगी। नाल ही योगेंद्र यादव ये भी कह चुके ने कि हाले तक साडी इक ही मंग है कि तुसीं जिहड़े कानून ने उन्हां नूं रद्द करो, सोध नूं असीं नहीं मंजूर करांगे। असीं उन्हां तों ये भी पुछिया फिर तुसीं जिहड़े पॉइंटर्स लिख के दिते सीगे सरकार नूं, फिर ओह लिखण दा की फायदा होया जे तुसीं उन्हां वल्लों किते हुए सोध नूं मन्नण नूं तैयार ही नहीं। तां उन्हां ने कहा कि जदों तक असीं पंजाब दे विच बैठे सी किसान शांतिपूर्वक जिहड़े पंजाब दे अलग अलग थावां ते धरने दे रहे सीगे, उदों तक असीं सोध नूं वी मन्नण नूं तैयार सी, पर हुण क्योंकि असीं दिल्ली पहुंच गया ते ना सिर्फ पूरे पंजाब दे फार्मर्स बल्कि पूरे देश दे जिहड़े किसान ने नाले विदेशां च जिहड़े बैठे पंजाबी ने ओह वी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे ने। तां उन्हां ने कहा कि जे असीं हुण कानून रद्द करा के नहीं जांदे तां निराशा साडे हत्थ लगूगी, निराशा उन्हां दे वी हत्थ लगूगी जिहड़े सानूं सपोर्ट कर रहे ने। ते उन्हां दा कहना है कि कानून नूं पूरी तरह रद्द कीता जावे फिलहाल, क्योंकि मीटिंग शुरू हो गई है, उस तों बाद देखना होगा कि की रणनीति जिहड़ी है ओह किसानां वल्लों जिहड़ी तैयार कीती जांदी है। नाल ही अज दी रणनीति जदों अज दी मीटिंग तों बाद ये फैसला होवेगा कि आखिर जिहड़ी कल मीटिंग सद्दी गई है केंद्र वल्लों उस च जाना या नहीं, क्योंकि कल जो अमित शाह की मीटिंग तो बाद किसान निकले सी उन्होंने यही किया सीगा कि हुण टेबल टॉक करन दा कोई फायदा नहीं, डिस्कशन करन दा कोई फायदा नहीं, क्योंकि हुण तक जिन्नियां मीटिंग्स होईयां ने ओह बेसिट्टा रहीयां ने। तां इसलिए इह वी देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि अज दी मीटिंग तों बाद इह फैसला होवेगा कि जिहड़ा सद्दा हुण केंद्र ने कल लई भेजिआ है उस नूं मंजूर करनगे या नहीं करनगे, पर मीटिंग जिहड़ी है जरूर गगन शुरू हो चुकी। बिल्कुल, जिस तरह की तुसीं दस्सिआ कि किसान कहिंदे ने कि पहिलां जिन्नियां मीटिंगां होईयां ने ओह बेनतीजा रहीयां ने, लेकिन इस बार दी मीटिंग वक्री हो सकती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दे वल्लों सोधिया गया प्रस्ताव भेजा गया, किस तरह दी संभावनावां ने उत्थे अगर मौजूद कुछ लोगों के नाल भी गलबात कर पाओ, क्योंकि तुसीं लगातार ग्राउंड जीरो ते डटे हुए हो, चर्चावां दा बाजार भी गर्म होएगा। सवाल मेरा यह है कि कल दी मीटिंग दे विच की संभावनावां ने कि किसान शामिल होणगे, जे हाँ तो कल दी मीटिंग की टर्निंग पॉइंट कोई साबित हो पाएगी या फिर ट्विस्ट बनिया रहेगा। बिल्कुल, देखो गगन जदों भी आपां गलबात कर रहे हैं तां आपां नूं भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ किसान हुण कह रहे हैं यस या नो च सानूं जवाब दो, पर जिस तरह हुण केंद्र ने भी कह दिता है, अमित शाह साफ तौर ते कह चुके ने कि कानून रद्द नहीं होणगे, तां यस और नो वाली गल है ही नहीं, उन्हां ने कह सीधा ही नो कर दिती है कह सकते हैं, पर सोध करन लई तैयार ने। नाल ही इत्थे कुछ लीडर्स ने जिहड़े बाहर खड़े ने ते इंतजार कर रहे ने कि आखिर जदों इह मीटिंग खत्म होवेगी तां उस तों बाद की फैसला हुंदा, उस ते जरूर उन्हां दीआं नजरां टिकीआं होईआं ने। ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ NH-24 ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਆ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਬਲੋਕ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋਧ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨੀ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਲ ਡੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਡੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਦੈਮ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਫਟੀ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ AC ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਆਏ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਗੀ ਉਸੀ ਕੋ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਾਲੋ ਕਰੇਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੱਲ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜੋ ਨੀਯਤ ਮੇਂ ਹੈ ਵੋ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੂਟ ਡਾਲਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ,
किसान संगठनों के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो नाकाम हो रही है सरकार। और जत्थेबंदियां जितनी भी हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, ये असल में जन आंदोलन बन गया। हरियाणा और पंजाब का नहीं, ये पूरे देश का जन आंदोलन। कल जो भारत बंद था उसने ये बता दिया कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरे देश की जनता का। तो इस चीज की भी नाराजगी थी कि सिर्फ 13 लीडर्स ने बुलाया गया, जबकि सारे लीडर्स ने सदना चाहिए। ये जो 13 लीडर्स है, ये 13 लीडर्स जो पूरी जत्थेबंदी है, उन्होंने ही तय करके भेजे, अपने आप नहीं गए, कोई भी गया। उन्होंने यहाँ मीटिंग करके, बाकायदा पूरा दिन मीटिंग चली, उन्होंने तय करके इन 13 को भेजा है, और वो 13 बातचीत करके अब यहाँ से हियरिंग हो रही है। पहले इससे पहले जो मीटिंग अभी शुरू हुई है, इससे पहले पंजाब के फार्मर लीडर्स ने भी आपस में मीटिंग की है। आपको क्या लगता है, हरियाणा के किसान, देशभर के किसान, जो भी रणनीति इस कह सकते हैं कि कमरे से बनाई जाएगी, वही सब जगह पे फॉलो होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा पंजाब, ये हरियाणा और पंजाब क्यों है, क्योंकि पूरे देश के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर ही सरकारी मंडी का सिस्टम था, और पूरा देश तो सरकारी मंडी है ही नहीं 70%, और वो भी ये चाह रहे हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब हरित क्रांति प्रदेश होते थे, इनमें मंडियों का सिस्टम था, अब पूरे देश में खड़ा हो, और ये जो मोदी सरकार है इसको खत्म करना चाहती है, तो इसलिए नहीं। युवा किसान भी ने होना तो एक गल जरूर जान लेने, तो उन्हें की लगता है हुन सरकार किते ना किते, जिवें तुसी कह रहे सी कि चुक नहीं रही, हुन सरकार कह रही है कि असी कानून रद्द नहीं कर सकते, पर असी अमेंडमेंट करन नूं तैयार हां, सोध करन नूं तैयार हां, मंगा जिहड़ियां किसानां वल्लों मंगियां जा रहियां ने ओह मन्नन नूं तैयार हां, किस तरह देखदा? नहीं मैडम, जिहड़ी अमेंडमेंट सरकार कह रही है, इस ते जिहड़ियां 8 मंगां रखियां सी अपने जथेबंदियां ने, ओह तां पता ते लग ही गया उन्हां नूं भी इहदे विच कुछ ना कुछ तां गलत है, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि ये पॉइंट गलत ने। पर हुण तुसी ला लो भी जो एक जहर आ अमेंडमेंट का, यह सब भी जहर च पानी पा दो, जहर का असर थोड़ा घट जाएगा, पर रहना तो जहर ही है, ठीक है। तो इस करके अमेंडमेंट असी अमेंडमेंट नहीं करवावांगे, इनू रद्द ही करवावांगे 100%, तो यह साडी करो जां मरो दी लड़ाई है, ठीक है। जे 8 पॉइंट जेडे दिते हुए ने, ओदे विचों 4 या 5 सरकार मनन नूं तैयार है, जे 8 दे 8 मानदी है फिर तुसी मानजो? हाँ जी, हाँ जी मैडम, जरूर एक रद्द करवा के ही असी इथों जावांगे, ठीक है, क्योंकि जे असी पिछे हटदे हां ते फिर भी असी मरदे हां, ठीक है, क्यों ना फिर असी जंग दे मैदान च लड़के मरीए, सानू अगे जिंदगी दिख रही है, पिछे मौत दिख रही है। तुसी देखो भी यूपी च जिद्दे बिहार च 2006 च कानून पास किए गए सी, ठीक है, ते उत्थे दा जो किसान ने ओह साडे इत्थे पंजाब च लेबर करन वास्ते आउंदे ने दिहाड़ी ते, हुण भी असी सड़कां ते बैठे सी, उत्थों बहुत सारा झोना जे कणक ट्रकां दे ट्रक ब्लैक च, क्योंकि उत्थे 700 रुपया रेट है साडे पंजाब च एमएसपी ते 1860 रुपये सी, हाँ, तो उहदे करके इत्थे बहुत ब्लैक च भी, क्यों जे उहनां नूं रेट सही मिलदा फिर यूपी बिहार च ही वेचण। गगन तुसीं सुन सकदे हो, करो या मरो वाला कह रहे ने, इन्हां दा कहना है कि जंग दे मैदान दे विच उतरे होए आ, पिछे असीं देख नहीं सकदे, इसलिए असीं अगे ही जावांगे, नाल ही उन्हां वल्लों कहा जा रहा है। इह जिहड़ा तुसीं सुनिया एग्जाम्पल उन्हां दित्ता कि जहर दे विच जे पानी पा दोगे तो उहदा असर जिहड़ा है थोड़ा घट हो जूगा, पर जहर तां जहर ही रहना। बिल्कुल नीतिका, लगातार तुसीं डटे रहो, और किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे दी जो मीटिंग हो रही है, कल वाली मीटिंग जो सदी गई है विज्ञान भवन दे विच 11 बजे केंद्रीय मंत्रियों दे नाल, कि उस विच शामिल होना है या नहीं होना है, इससे फैसला किसान जथेबंदियों के लीडर्स ने लेना है, कि रणनीति तय की जाएगी, इससे नजर रहेगी। फिलहाल अगे वधांगे, किसान अंदोलन दे विच किसानों की सेहत का भी खास ख्याल रखा गया, लोगों के वालों टिकरी बॉर्डर से ड्राई फ्रूट का लंगर लाया गया, साढ़े सहयोगी ने जायजा लिया। एक पासे सरकार आ जिहड़ी कि कहिंदी है कि उन्हां नूं सेहत दी परवाह है, जिहड़े कि इत्थे किसान बैठे हुए ने, जिहदे करके उन्हां नूं बराड़ी ट्रांसफर करन दी गल कीती जांदी है, लेकिन सेहत दी परवाह कितने कितने सरकारां वल्लों तां पता नहीं, लेकिन पंजाबियां वल्लों पूरी कीती जा रही है। तुसीं वेख सकदे हो लंगर एक पासे तैयार किया जा रहा है लोगों च वंडन लई, लेकिन दूजे पासे ड्राई फ्रूट्स, इत्थे गुड़, देसी गुड़, ये सारा कुछ जिहड़ा की है लोगों नूं वंडिया जा रहा। तुसीं वेख सकदे हो लोकी काफ़ी संगत इत्थे मौजूद है जिहड़ी कि लगातार जिहड़ी कि इत्थे लंगर का आनंद माण रही। तुहानूं दस्सदी है कि ओह कौम है जिहड़े कि कहिंदी है कि असीं तां छोले खा के भी कितने कितने संघर्ष कर लाँगे, लेकिन उन्हां नूं बदाम खवाए जा रहे हैं, सेहत का खासा ध्यान रखा जा रहा है। पर जी ये सेवा जिहड़ी है कित्थों आई है? मेरा नाम जी जसवीर सिंह राजा, असी डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर तो टांडे टांडे वाले बदामा वाले तो सुने ही हाँ, तो जिहड़ी सेवा आ वो NRI वीर साडे नाल सहयोग कर रहे आ टुट ब्रदर ने। की कुछ है, की कुछ है इहदे विच? ये बदामा दियां गिरियां जी,
ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਗੋੜਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਜੁਆਇਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੌਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਖੁੰਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਖੁੰਬਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਪੀਪੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੁੜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਗਿਰੀਆਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਖਿਲਵਾ ਕੇ ਗੁੜ ਖਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਰਹੇ ਜੱਟਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜੱਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਕੜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜੋ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਟ ਭੱਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਦਾ ਬੇਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਸੌਣਾ ਮਕਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਬਾਹਰ ਮੰਜੀਓਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਘਰ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਗਰ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ਮੀ ਮਨਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ ਇਨਕੇ ਪੀਛੇ ਯੇ ਮਤ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹ 10-15 ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ ਯਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਆਜ ਇਨਕੇ ਪੀਛੇ ਉਸਕੀ ਨਿਗਾਹ ਗੜੀ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਚੂਕ ਮਤ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਕਰੇ, ਯੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਦਿਨ ਡਾਲ ਦੇ, ਇਨਮੇ ਫੂਡ ਡਾਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਵੀ ਇਸੀ ਲੀਏ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵੀ ਯੇ
चेक रखने के लिए भी कहीं भी ये किसी को हिला ना पाए। और कल जो मीटिंग हुई है अमित शाह जी से और किसान जथेबंदी के साथ जो हुई है, 10-12 किसान जथेबंदी आई है, पता चला है कि वो अभी कुछ इनके साथ बातचीत शुरू हो रही है, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। लेकिन ये अब पता चलेगा, किसान जथेबंदियों को तो ये बोलते थे पहले कि इनको कुछ पता नहीं है, एक्सपर्ट फेल हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है कि किसान जथेबंदियों का जो तर्क है वो सिर्फ किसानी है, लेकिन अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये तो PM है, होम मिनिस्टर, इन्होंने तो CM भी रहे हैं, अब इनका तजर्बा कैसे रहेगा, अब ये चैलेंज है। अब ये बात देश के सामने जाएगी कि क्या इनका जो होम मिनिस्टर का तजर्बा है, प्राइम मिनिस्टर का बने हुए हैं, क्या ये रहने के लायक है PM या HM या नहीं। विरोधी धिर अज नवें खेती कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति को भी मिलने की तैयारी के विच है, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल है, इसके करके वड्डी गिनती के विच आगू राष्ट्रपति तक मुलाकात के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। जो वफद जो तैयार किया गया उस विच कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी, NCP के आगू शरद पवार, सीताराम येचुरी और 5 होर आगू शामिल होंगे। गल करांगे जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने हर वर्ग नूं की अपील कीती है। हर वर्ग दे लोकां नूं किसानी अंदोलन दे विच उन्हां ने ज्यादा तो ज्यादा समर्थन की अपील कीती है और केंद्र सरकार नूं भी अपील कीती है कि अपनी जिद चढ़ के किसानां दी समस्या का हल करे। सारे भाईचारे जिहड़े ने दबे कुचले समाज जिहड़े ने भारत दे, उन्हां नूं भी जिहड़ा किसानी संघर्ष दे विच अपना वध चढ़ के हिस्सा पाउणा चाहीदा है। किसानी कमजोर हो गई, खेती कमजोर हो गई, खेती जिहड़ी है इहदा नुकसान हो गया, ते अनाज दीआं कीमतां जिहड़ीआं बहुत ज्यादा वध जाणगीआं, इन्नीआं ज्यादा अनाज दीआं कीमतां वध जाणगीआं कि आम लोकां वास्ते अनाज खरीदना जिहड़ा बहुत औखा हो जाएगा। सरकार नूं अपनी जिद छड्डणी चाहीदी है, क्योंकि सरकारां जिहड़ीआं उह लोकां वास्ते हुंदीआं, ते जे लोक दे विच रोह है इस काले कानूनां नूं लै के, ते सरकारां नूं जिहड़ा लोक रोह नूं पापदिआं इन्हां कानूनां नूं रद्द करना चाहीदा। श्रोमणी अकाली दल दे बंगा तों विधायक डॉक्टर सुखचिंदर कुमार दी गल कीती जाए ते संघर्ष दे विच किसानां नूं हमायत दित्ती जा रही, उन्हां दे वल्लों उन्हां ने ऐलान भी कीता। ओह कहिंदे ने कि जद तक संघर्ष चलेगा अपनी पूरी दी पूरी तनखा किसानी संघर्ष दे विच ला देंगे। पंजाब दे मशहूर ढाडी तरसेम सिंह मोरावाली दे वल्लों उन्हां दे इस फैसले दी शलाघा कीती गई है। संगरूर दे बॉक्सर कौर सिंह दी गल कीती जाए, बॉक्सर कौर सिंह दी अगर गल कीती जाए तां किसानां दे समर्थन दे विच अग्गे आए ने। किसानां दे समर्थन दे विच पद्म श्री अते अर्जुन अवार्ड वापस उन्हां ने कीता है, जिस दे नाल ही सरकार नूं अपील कीती है कि खेती कानून सिरे तों खारिज कर दिते जाण। आड़ती है गरीब जनता सारी, मतलब वो बेकार हो जूगी, इस करके 82 एशियन गेम दे दिल्ली गोल्ड मैडल थी मैं, उस टाइम मैनू अर्जुन अवार्ड मिलया, फिर वो उदूगा मैनू पद्मश्री मिलया, तो दोनों पद्मश्री से अर्जुन अवार्ड मैं गवर्नमेंट नू वापस कर रहा। केंद्र सरकार के खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। मानसा के वड्डी गिनती के किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, वक्-वक् किसान जथेबंदियों का एक जत्था पंजाब किसान यूनियन की अगवाई के हेठ दिल्ली के लिए रवाना होया और इस मौके पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूरा जिहड़ा उत्साह नाल साडे बंदे जा रहे हैं, घट्ट तों घट्ट 100-150 दा काफला जा रहा है दिल्ली का, भारतीय किसान गठबंधन वालों होर जथेबंदियां भी साडे नाल ने, पूरा आपदे उत्साह नाल जा रहे हैं, पर असीं मतलब यानी कि अज मीटिंग रखी है सरकार ने, पर उहदे विच सानूं कोई भरोसा तां नहीं मनदे, पर जे कोई नहीं फैसला करदे इह संघर्ष वड्डा लम्मा चलूगा, पर संघर्ष असीं जित के ही आवांगे। रोज़ दू रोज़ नवें तों नवें काफले ट्रेनां राहीं जांदे ने ते बसां राहीं भी जांदे रहिंदे जी। लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे वल्लों महा कवरेज जारी है, प्रस्ताव मता जो है भेज दिता गया किसानों तक, मीटिंग चल रही है, हुण किसानों ने फैसला करना है कि कल होने वाली मीटिंग च शामिल होना है या नहीं, यस और नो।